सो हेलो गाइस, सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू M1887 की स्किन के बारे में, जो कि बहुत जहर होने वाली है गेम की। और गाइस यहाँ पे मतलब गेम का बैलेंस थोड़ा ख़राब कर सकती है। अगर आपके पास ये हो जाएगी तो यार मतलब जहर ही फाड़ दोगे सामने वाले बंदों की। तो गाइस यहाँ पे बात करेंगे कि ये कौन सी मतलब इसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे और गाइस किस इवेंट में आएगी, कितनी डेट को आएगी, तो सारी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो गाइस वीडियो में बहुत मजा आया, को पूरी देखना, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्किन देख लो कि कैसी स्किन दिखने वाली रहेगी। तो गाइस बहुत ओपी यहाँ पे स्किन बनाई गई है और गाइस इसके एट्रीब्यूट्स भी काफी अच्छे रखे गए। तो गाइस देख सकते हो काफी ओपी लग रही है स्किन। और गाइस यहाँ पे गोल्डन ग्लेयर करके इसका नाम रखा जाएगा, गोल्डन ग्लेयर M1887। तो भाई देख सकते हो काफी ओपी रखी गई है। और गाइस यहाँ पे एट्रीब्यूट्स इसके नहीं लिखे थे तो मैंने अलग से लिख दिया, जो कि कन्फर्म एट्रीब्यूट है, डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल रेंज। और गाइस सोच लो कितनी ओपी स्किन होने वाली रहेगी। तो भाई यहाँ पे रिलोड स्पीड माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा दो गोली वाली काफी जल्दी रिलोड हो जाती है। तो भाई देख सकते हो काफी जहर स्किन ये हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे मतलब गोल्डन ग्लेयर नाम रखा गया तो गोल्डन ग्लेयर वाला एनिमेशन भी इस पे आ रहा है। और गाइस जब आप लोग मतलब एनिमेशन देखो, जब ये स्किन आपके सामने आएगी तो कुछ ऐसा एनिमेशन घूम घाम के आएगा। और भाई पर्सनली मतलब काफी सारी स्किन बनाई है। और गाइस यहाँ पे मेरे हिसाब से गरना जो मतलब गेम में स्किन लाई है M1887 की, तो सबसे अच्छी स्किन यही है। और गाइस अपनी ओपिनियन आप लोग कॉमेंट में शेयर कर देना। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जैसे आप लोग मतलब एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसके बाद स्किन आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, जो कि मैं फुल HD में दिखा रहा हूँ। बहुत कम उन्होंने आपको दिखाया होगा कि यहाँ पे मतलब HD क्वालिटी में आपको स्किन दिखा दे। तो गाइस यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स भी आपको बता दी कि कौन से एट्रीब्यूट्स होने वाले रहेंगे। डबल रेट ऑफ फायर, मतलब आप लोग सोच लो डबल रेट ऑफ फायर सिंगल रेंज, तो आप लोग मतलब दूर के बंदे को भी बहुत इजीली मार सकते हो। तो भाई पर्सनली स्किन काफी अच्छी होने वाली रहेगी। तो गाइस यहाँ पे मतलब बाहर के कई सारे सर्वर पे टोकन टावर में ये स्किन आई है। और गाइस अपने उधर भी टोकन टावर इवेंट ही कंफर्म हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब आपको पता होगा इस टाइम चल रहा है मतलब 4th एनिवर्सरी का टोकन टावर, जहाँ पे हम लोग को मेल फीमेल बंडल दोनों साथ में दिए जा रहे। तो गाइस जब हमारा वो वाला टावर एंड होगा टोकन टावर, तो उसके बाद हम लोग को स्किन देखने को मिल जाएगी ये वाली मतलब टोकन टावर के अंदर, जिसका इंटरफेस चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होने वाला रहेगा। गाइस ये स्किन हमारी क्लैश स्क्वाड कप इवेंट पे बेस्ड है, तो इसलिए हम लोग को एक क्लैश स्क्वाड कप इवेंट के दौरान ही देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ पे देख लो इसका मतलब एट्रीब्यूट्स भी लिखा गया, रेट ऑफ फायर, डबल सिंगल रेंज और रिलोड स्पीड माइनस। तो भाई यहाँ पे 6 तारीख को हम लोग को एक नया टोकन टावर देखने को मिलेगा, जैसे ये वाला 4th एनिवर्सरी का टोकन टावर एंड होगा उसके बाद ये वाला टोकन टावर हम लोग को देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मतलब ये वाली स्किन देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अभी बहुत टाइम है, आप लोग अगर निकालना चाहते हो तो डायमंड सेव करके इसको निकाल लो, क्योंकि भाई बहुत ओपी स्किन होने वाली है। क्योंकि यार आप लोग देख लो डबल रेट ऑफ फायर सिंगल रेंज और गाइस रिलोड स्पीड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, मतलब ये वाली रिलोड तो अपने आप ही हो जाती है अच्छी खासी। और गाइस यहाँ पे इसके साथ भी दी जा रही फिस्ट की स्किन, जो कि हमारी 4th एनिवर्सरी पे आ गई थी हम लोग के टोकन टावर पे ही। तो गाइस देख सकते हो काफी ओपी स्किन लग रही है। और गाइस यहाँ पे मैं डेट बताऊँ तो ये 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी गेम में, तो आप लोग डायमंड अपने सेव करके रख लो। और गाइस आपको पता होगा कि मतलब यहाँ पे हमारे उधर डायमंड की स्पिन कितनी लगती है, मतलब 5 स्पिन 90 डायमंड की और 1 स्पिन 20 डायमंड का होता है। तो भाई देख सकते हो काफी ओपी स्किन लग रही है। और गाइस यहाँ पे आप लोग निकालोगे या नहीं आप लोग कॉमेंट में मेरे को बता देना। तो गाइस देख सकते हो काफी ओपी यहाँ पे इंटरफेस रखा गया इवेंट का। और गाइस कई सारे बंदे यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि आपको फ्री में स्किन देखने को मिलेगी, तो गाइस यहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे अच्छी चीज गरना फ्री में नहीं देता। और गाइस ये वाली स्किन तो कतई जहर होने वाली रहेगी, तो आप लोग कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर करना। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको डेट भी बता दी कि मतलब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में देखने को मिल ही जाएगी ये वाली स्किन। और गाइस डायमंड सेव करके रख लो, बहुत ओपी स्किन होने वाली रहेगी, जो कि मतलब आप लोग खुद ही सोचो डबल रेट ऑफ फायर सिंगल रेंज। और गाइस आप लोग अगर मारोगे इससे तो डबल जो दूर बंदा खड़ा होगा उसको भी काफी अच्छा डैमेज दे देगी, तो आप लोग सोच लो काफी सही होने वाली रहेगी स्किन। तो गाइस बाहर के कई सारे सर्वर पे ये फेडेड व्हील में भी आई है, लेकिन गाइस अपने उधर टोकन टावर में ये आएगी तो मैंने सोचा आपसे बता दूं। और गाइस यहाँ पे फेडेड व्हील में आ सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज ज्यादातर हमारी मतलब टोकन टावर की है। जैसा कि आपको पता होगा फेथ वाली जो हमारी M1887 थी वो मतलब टोकन टावर में आई थी, तो गाइस ये वाली स्किन भी हम लोग को टोकन टावर में ही देखने को मिलेगी। और गाइस गरना है कुछ भी कर सकती है, लेकिन गाइस ये सोच लो कि आपके इसमें बहुत डायमंड लगने वाले रहेंगे, क्योंकि यार यहाँ पे आप लोग खुद ही सोचो इतनी ओपी स्किन है तो इसके लिए गरना लूटेगा तो जरूर ही। तो गाइस यहाँ पे जो आप लोग इंटरफेस देख रहे हो जो हमारा होगा क्लैश स्क्वाड कप का इंटरफेस, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड करके दिखा दिया, लेकिन गाइस अगर आपको फिर से इस पे पूरी फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में मेरे को बता दो, मैं वीडियो इस पे बना दूंगा। तो गाइस यही थी वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।